बीते दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने आदेश जारी कर सभी धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां लगा दी थी, पर अब ऐसे में कोरोना का प्रकोप कम होने के कारण राज्य सरकार की ओर से सभी पाबंदियां हटा देने के बाद सभी धार्मिक स्थल और सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाने की अनुमति दी गई है, जिसको देख भुसावल शहर में राज्य सरकार में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार का भुसावल मुस्लिम समाज की ओर से आभार व्यक्त किया गया। वो माजी नगर सेवक शेख पापा शेख कालू ने पापा नगर मस्जिद के इमाम और नमाजियों को पेड़े बांटकर सभी देशवासियों को रमजान महीने की शुभकामनाएं दी। वो कहा कि हम सभी मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने दो साल बाद रमजान महीने को बिना पाबंदियों के साथ मनाने का आदेश जारी किया। आइए जानते हैं माजी नगर सेवक शेख पापा शेख कालू वो पापा नगर मस्जिद के इमाम और नईम शेख ने क्या कहा। बीके टाइम न्यूज लाइव के लिए सिद्धम सिंह खटिक की रिपोर्ट। आज 2 अप्रैल को सभी लोगों को चांद रात मुबारक हो, और जो पिछले दो साल से जो कोरोना काल में जो पाबंदी सरकार ने लगाई थी, मस्जिदों में 10 ही लोग नमाज पढ़ोगे, मंदिरें बंद, मस्जिदें बंद, त्यौहार बार पे जो पाबंदी थी, आज जो महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी हटाई, तो हम सभी मुस्लिम समाज की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आभार मानते हैं। और अभी आज कल से जो रमजान महीना लग गया, तो मैं सभी रोजगार भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ क्या जो पिछले दो साल से हम लोग 10 या नमाज पढ़ते थे, आज हमको 100, 50, 200 जितनी भी मस्जिद में लोग आ सकते हैं, आज अपनों को पाबंदी मिल गई है, आज़ादी हो गई है ना, बिना मास्क की भी परवानगी सरकार ने हटा दी हुई है, और वो भी मैं सरकार का आभार मानता हूँ। अभी सभी त्यौहार जो भी आने वाले, सभी लोग अपने अपने धर्म के जो भी त्यौहार है, जैसे अभी रमजान महीना हमारा तो लगी गया मुस्लिम समाज का, अभी 14 अप्रैल भी धूम से मनाई जाएगी, आने वाले जो भी त्यौहार है सब अच्छे तरह के धूमधाम से मनाए जाएंगे, तो मैं सरकार का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई थी वो पाबंदी इस रमज़ान मुबारक के महीने में ख़त्म हो गई है। तमाम रोज़ेदार हज़रात से मेरी अपील यही है कि बढ़ चढ़ कर मस्जिद में आएँ, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, और जिस तरह रोज़ा का हुक्म दिया गया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। तमाम लोगों को मैं इस मुबारकबाद दे रहा हूँ कि चांद भी नज़र आ चुका है, कल से इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, आज से पहली तरावी होगी। तमाम शहर भुसावल के मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि चांद नज़र आया है, और रमज़ान मुबारक में सारे लोग रोज़ा रखें, नमाज की पाबंदी करें, जिस तरह अल्लाह के हबीब ने हमें हुक्म दिया है उस तरह उस पर अमल करने की कोशिश करें। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोले जो ये पापा नगर की मस्जिद में हमारे भाई पापा मेम्बर ने जो पेड़े बांटे हैं, ये इस खुशी में बांटे हैं कि आज महाराष्ट्र सरकार ने जो हमारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जो पाबंदियां लगाई हुई थी ये आज हट चुकी है, मास्क की भी पाबंदी ने, कुछ भी पाबंदी ने, इसके लिए आज यहाँ खुशी के मौके पर उन्होंने पेड़े बांटे ताकि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में आ सके, और कोई पाबंदी नहीं, और सबको रमज़ान के चांद की मुबारकबाद देता हूँ।